आपके सामने इबादत की कई शक्लें हैं, तमाम शक्लें मिलकर एक इबादत बनती है। इबादत की दो किस्में हैं। एक किस्म इबादत की क्या, जिस्मानी इबादत, बदनी इबादत कहते हैं, और एक किस्म इबादत की क्या, माली कहते हैं। बदनी व जिस्मानी इबादत जैसे नमाज, रोज़ा। माली इबादत कैसे, जैसे ज़कात, फितरा, सदका, कुर्बानी। ये तमाम के तमाम माली इबादत में से हैं। और माली इबादतों में ज़कात फ़र्ज है। चार इबादतें जैसे फ़र्ज आइन है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इन चारों का बड़ा गहरा ताल्लुक है। और ये इबादत मालदारों पर फ़र्ज होती है। वो मालदार जो मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो, मर्द हो या औरत हो, और उसके पास निसाब मकदार के मुताबिक पैसे हो, या तो सोना होना, या तो चांदी होना, या तो कैश होना, या नहीं तो माले तिजारत होना, या नहीं तो घर के जो साजो सामान हैं, जितने साजो सामान ज़रूरत के हैं, वो तमाम ज़रूरत के साजो सामान छोड़कर एक्स्ट्रा साजो सामान जो ज़रूरत से ज़्यादा हैं, उन तमाम को मिलाएंगे सोने या चांदी की कीमत तक पहुंचते हैं। तो ऐसे मुसलमान पर एक साल गुजरने के बाद ज़कात फ़र्ज हो जाती है। समझ में आई बात? ज़कात अल्लाह तबारक व ताला का ज़बरदस्त कानून है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा आपके सामने तफसील से इन बातों को रखूंगा। आज कुछ मुख्तसर बातें अर्ज कर दूं। ज़कात देने में कमी ना करो, ज़कात पाबंदी के साथ अदा करो। उलमा से पूछो कि कैसे ज़कात निकालना। मेरी पूरी ये दौलत और पूंजी है, क्या मैं ज़कात दे सकता हूँ? बराबर पूछो उलमाए किराम आपको कुछ सवालात करने के बाद साफ साफ जवाब देंगे। आज उम्मत बड़े बड़े मालदार ज़कात अदा करने में बहुत नाकाम है। एक बात बताता हूँ, सुनो। ज़रूरत में आने वाले जो सामान हैं उसमें ज़कात नहीं है, लेकिन ज़ेवरात औरतें जो पहनती हैं वो उसकी ज़रूरत में दाखिल नहीं, उसकी जीनत में दाखिल है। दोनों में फ़र्क समझो। ज़रूरत किसे बोलते, उसके बग़ैर ज़िंदगी मुश्किल हो जाए, यानी तो हद से ज़्यादा काम मुश्किल हो जाए, यहाँ तक के प्लेट ज़रूरत में दाखिल है। अगर प्लेट नहीं तो आदमी खाएगा कहाँ? इसलिए प्लेट में खाना खाना है तो प्लेट ज़रूरत में दाखिल है। शिवाजी नगर जाना, बेंगलुरु जाना, इधर उधर जाना, तो एक गाड़ी का होना ज़रूरी है, तो गाड़ी ज़रूरत में दाखिल है। जिसके बग़ैर या तो काम मुश्किल हो जाता या नहीं तो कामिच नहीं होता। लेकिन जेवरात जो है ना, वो ज़रूरत में दाखिल नहीं, बल्कि जेवरात जीनत में दाखिल है। आम तौर पर अक्सर लोगों के जहन में ये बात दाखिल है, ज़रूरत की चीज़ों में जैसे ज़कात नहीं है, वैसे औरत का जेवर भी ज़रूरत में दाखिल है, इस पर ज़कात नहीं। बिल्कुल गलत है। औरतों के पास रहने वाले जेवर की ज़कात सबसे पहले औरतों पर फ़र्ज होती है। अगर औरतें अदा न करेंगी वो बिज़ात खुद गुनहगार होंगी। औरतों की तरफ से अगर मर्द इजाज़त लेकर ज़कात अदा कर दे तो ज़कात अदा हो जाएगी।